हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड टुडे आपके लिए tradingview.com के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। हाँ बिल्कुल, मैं इस वीडियो को एक्चुअली पहली बार लाइफ में कोई वीडियो बनाने के लिए मैं खुद यूट्यूब देखा कि लोगों ने क्या बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ बनाया हुआ है जो भी लोगों ने, बट सब ने बनाया ऐसे कि यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना है उस तरीके से, जो मैं कभी करता नहीं हूँ। तो मैं दो बार इस वीडियो के अंदर मैं दो चीज़ करूँगा। आपको क्यों देखना चाहिए, अगर आप नए हो तो इसलिए कि मैं न्यू अकाउंट बनाऊँगा, फ्री अकाउंट, उसमें ओपन करके पूरी ट्रेडिंग करने के लिए जितनी स्किल्स चाहिए पैसे कमाने के लिए उतने पूरे ओपन करके दिखाऊंगा। देन अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो डेफिनेटली विल नीड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, विल नीड अ लॉट मोर थिंग्स देन दैट, विल नीड मल्टीपल स्क्रीन्स एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स, अलर्ट चाहिए हम लोगों को। उन चीज़ों को कैसे सेट करते हैं और क्या चीज़ें अवॉइड करने की हैं और इसमें ड्रॉबैक भी क्या है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरा देखना, आराम से देखना, क्योंकि पहली बार टेक्निकल वीडियो है, इसको देखते प्रैक्टिस भी करना, हो सके तो पॉज कर करके प्रैक्टिस कर लेना। तो जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे। एंड वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट टिप्स, काइंड ऑफ सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग टाइप की टिप्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ एंड ऑफ द वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है मेरे को बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सम टेक्निकल रीजंस के कारण, बट कोई स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा और आई होप आप लोगों को अभी स्क्रीन दिख रही होगी। सो हम स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है। अभी हम मेरे पास प्रीमियम अकाउंट है और अगर मैं प्रीमियम अकाउंट पे चीजें करूंगा तो कई सारी चीजें काम करेंगी जो आप लोगों में नहीं करेंगे न्यू ट्रेडर्स के में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किस पेज पे आना है, तो ये tradingview.com खोला आपने, ठीक है। इस पे आने के बाद आप अगर साइन इन पे क्लिक करोगे तो साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो वो करना नहीं है। तो मैं आपको सीधे लिंक दे दूंगा एग्जैक्टली कौन सी लिंक पे आने के बाद आपको सीधे अपना साइन अप कर सकते हो, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको यहाँ पे आता है या तो फिर डायरेक्टली स्टार्ट फ्री ट्रायल, ऐसा बेसिक पे आके स्टार्ट नाउ, ये सब कर सकते हो। तो मैं एक्चुअली यूज कर चुका हूँ, मेरे ऑलरेडी दो अकाउंट थे, एक तीसरा अकाउंट यूज किया, तो फ्रेंड के नाम से मैं यूज करूंगा। ट्रायल ट्रेडिंग व्यू नाम रख देंगे इसका, अमन, एंड हम ईमेल यूज करेंगे aman@boomingbulls.com। ऑल राइट, पासवर्ड हम खुद का सेट करेंगे, ये कर लेंगे सिलेक्ट। आईड लाइक टू ऑप्ट आउट फ्रॉम मार्केटिंग ईमेल्स, ठीक है, क्यों सिलेक्ट, बाहर रहते हैं, आई एम नॉट अ रोबोट। ट्रैफिक लाइट्स सिलेक्ट करनी है, ओके आई थिंक हमने कर लिया है। विद बाइसिकल्स आई थिंक इट्स प्रूव दैट वी आर नॉट अ रोबोट एंड नाउ वी कैन लेट इन। ट्रायल अमन बीबी आई थिंक अभी अब उनको मिल जाए करने के लिए। बाइसिकल्स तो मुझे दो ही दिख रही हैं यहाँ पे, तीसरी ये रही, चलो ठीक है। सो नाउ वी गेट टू, अब ये अपन को एक लिंक मांगेगा जो यहाँ पे आ चुकी होगी मेरे हिसाब से ईमेल एड्रेस पे। तो ये मैं इसलिए बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, एडवांस भी करके दिखाया है वीडियो में, सेकंड पार्ट इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जो मैंने, जो एक एडवांस लेवल के ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या क्या जरूरत पड़ती है उस पर आते हैं अपन, ठीक है। तो इसको All right guys, so we are here now, ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्लिक करना, आ गए। अब इसी स्क्रीन से मैं आपको बताना चालू करता हूं कि बेसिकली इसको कैसे हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं tradingview.com को। आपको खोलते लगे S&P, यूरो, क्रूड ऑयल, दुनियादारी, इतनी सारी चीजें यहाँ पे, कुछ स्टॉक्स लिखे हैं, एप्पल लिखा है, एडिटर्स पिक, मार्केट समरी, अ न्यू यूजर गेट्स ओवरवेल्ड बाय लुकिंग एट ऑल दिस डेटा कि कितना सारा है, बिटकॉइन लेवल तोड़ने वाला है, ये वो, गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल, कैलेंडर, ये वो, डोंट लुक इन ऑन, कुछ भी मत देखो, सीधे यहाँ पे आओ और निफ्टी लिखो। निफ्टी लिखने के बाद जैसे निफ्टी पे क्लिक करोगे अपने आप एक सेकंड पेज पे पहुंचोगे यहाँ पे, ये भी आपके कोई काम का पेज नहीं है। आपको यहां पे भी आने के बाद फुल फीचर चार्ट पे क्लिक करना है, ये भी पेज आपके काम नहीं आएगा। ये इतनी सारी चीजें आपको देखेंगे, आइडियाज, निफ्टी से रिलेटेड, इंडियन शेयर, ये वो सारी चीजें बहुत कुछ आपको शो करेंगी। आपको क्लिक करना है फुल फीचर चार्ट पर और आप पहुंच जाओगे इस पेज पे जो हमारे काम का है।
राइट, तो इस पेज पे आने के बाद सबसे आपको दिखेगा, ऐसी आपकी स्क्रीन दिखेगी, सबसे पहली तकलीफ ये एड, वो सबसे पहले आपको बोलेगा बार बार इसको वो करने के लिए, पे करने के लिए, पे करने के लिए, पे करने के लिए। मैं आपको दिखा दिया यहाँ पे इतने फीचर्स होते हैं, बेसिक, प्रो, प्रो प्लस, प्रीमियम, मेरे पास ये वाला अकाउंट है, क्या है क्या नहीं है, ये तो ₹0 है, ये $15, ये $30, ये $60 मतलब ये समझ लीजिए 4,500 पर मंथ के हिसाब से, मतलब साल का हो गया 48,000, ठीक है। बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाली है, उस समय पे मैंने भी रिन्यू किया था या बाय किया था, मैंने 2 साल के लिए कर लिया, 50% के आसपास आपको ऑफ मिल जाता है। फायदा क्या है इस पे, आप ना 3 इंडिकेटर के ऊपर लगा नहीं सकते हो फ्री, इसमें 5 लगा सकते हो, इसमें 10, इसमें 25, मतलब कितने भी। इसमें स्क्रीन जो स्प्लिट करते हैं आपने देखा होगा, मैं करता हूं कभी कभी, इसमें 2 ही कर सकते हैं, इसमें 4 ही कर सकते हैं, इसमें 8 तक कर सकते हैं, वैसे 4 में काम चल जाता है, और कुछ सर्वर अलर्ट ये वो कुछ कुछ कुछ। मैंने सीधे प्रीमियम कर लिया क्योंकि मुझे ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म करनी, लाइफ भर करनी है, सो मैंने ये चूज कर लिया। आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हो, ये भी बढ़िया प्लान है प्रो प्लस, इसमें क्योंकि 4 स्क्रीन खुल जाती है, जैसे अपन बड़े स्क्रीन में देखते हैं ना, 4 स्क्रीन में भी 4 बना सकते हो, तो क्या काम आती सब बातें करते हैं। तो हम इस जगह पे थे, अब स्टार्ट करते गाइस, ठीक है, इससे बंद करते हैं। आपके में भी अगर ऐसा दिख रहा होगा तो सबसे पहले यहां पे आकर के उसे कैंडल कर लेना। अब मैं ऑब्वियसली बात है नए लोगों के लिए बना रहा हूं, और एक्सपीरियंस लोगों के लिए इसी का सेकंड हाफ ही काफी है, और इतने भी नई नहीं हो कि आपको कैंडल क्या नहीं पता, इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे कैंडल सेट कर दी। ये कैंडल कैसे करते हैं, चलो, अब जब भी ये चार्ट देखता है पर्सन, तो स्क्रीन को देख के पर्सन ओवरवेल्म हो जाता है कि भाई इसमें इतने टूल्स हैं, लेफ्ट साइड में ये टूल्स ही टूल्स हैं इतने सारे, क्या क्या काम आते होंगे, मुझे कितना कम मालूम है, क्या मैं सही ट्रेडर हूं, क्या मुझे नॉलेज है, नीचे क्या लिखा, स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रेटजी टेस्टर, ये इतने सारे आइकन्स क्या है। अ पर्सन गेट्स ओवरवेल्म्ड बाय लुकिंग एट ऑल दिस डेटा, सो आई व्हाट आई डू, आई विल मेक इट इजी फॉर यू, आपके लिए आसान करूंगा स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है लेफ्ट पैनल पूरा क्लियर कर रहा हूं आपके लिए, स्टार्ट करते हैं यहां से। लेफ्ट पे जब भी आते हैं यार, ये दिख रहा सबसे पहले, ये आपको यहां आने के बाद एक बार और क्लिक करोगे तो ऐसा खुलता है, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको छोड़ के कुछ काम का नहीं है। एक बिगिनर ट्रेडर के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सारे के सारे काम पैरेलल चैनल 2 ट्रेंड लाइन के साथ बन जाता है, कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज को करने का। आप सिर्फ ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में इसको छोड़ के, इन दो चीजों को छोड़ के, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर से लेके नीचे तक आपके कोई काम का सामान नहीं है, सीरियसली नहीं, ठीक है। इसको छोड़कर उतने दो चीजों की इंफॉर्मेशन लेके यू कैन डेफिनेटली ट्रेड ऑन योर ओन। एक ये स्केल है जो कभी कभी बताता है कि यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना है, तो 1.3% है, 152 पॉइंट्स निफ्टी के, इतना वो बता रहा है, 12 बार्स है। तो मैंने आपको क्लियरली क्या समझाया कि सिर्फ पूरे लेफ्ट साइड के पैनल में ये सब कोई काम नहीं आना, आपके पिचफोर्क फिलहाल के लिए कोई काम नहीं आना, ब्रश, ये जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं तो मेरे काम आ सकता है, कुछ लिखता हूं तो ये सब मेरे काम आ सकते हैं, सब आपके कोई काम नहीं आना, ये वाला एक्स ए बी सी डी पैटर्न, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कोई काम नहीं आना है यार बिगिनर ट्रेडर को, ना यहां पे कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ना यहां कुछ मिलेगा, ना ये बस एक काम आ सकता है, ये सबको वैसे ही रहने दीजिए, एल्स ये सारी चीजें कोई काम की नहीं है। तो ये मैंने क्या किया अभी अभी आप लोगों के लिए, ये मैंने आपके लिए आसान बनाया, क्या, लेफ्ट साइड वाला पैनल क्लियरली समझाया कि अगर आपको ट्रेंड लाइन खींचनी आती है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी आती है, यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दीज टू टूल्स। ऑल राइट, नाउ नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं तो स्टॉक स्क्रीनर, टेक्स्ट नोट, वैसे इसको अपन पता है ऐसे यहां पे क्लिक करके ऊपर भी खींच सकते हैं, नाइस, ओके। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर है, यूएस का सेट हुआ, अब यहाँ पे इसको इंडिया कर सकते हो आप, एनएससी कर सकते हो आप, यहाँ के इंडिया कर दिया आपने, तो अब ये इंडिया के स्टॉक बताएगा कि रिलायंस में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या जरूरत है सबका। आप मनी कंट्रोल, आप इकोनॉमिक टाइम्स इंस्टॉल करके रखो, ठीक है, आपको अपने, आपके पास खुद का एक नॉलेज होना चाहिए स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन लेने का। मनी कंट्रोल एंड इकोनॉमिक टाइम्स और ईटी मार्केट एंड रूटर्स एंड ब्लूमबर्ग क्वेंट, ब्लूमबर्ग वगैरह इंस्टॉल कर लो मोबाइल पे, ये सब की कोई जरूरत नहीं है आपको। टेक्स्ट नोट लिखने विखने के काम आते हैं, वही थोड़ा बहुत लिखने वगैरह के काम आते हैं, क्या जरूरत है लिखने की, कोई जरूरत नहीं लिखने की यहाँ पे। पाइन एडिटर कुछ आपको स्ट्रेटजी वगैरह बनाने के काम आती है, ये भी आपको वहीं लेके जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा ट्रेडिंग पैनल यहाँ पे दे रहा है कनेक्ट करने के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट फॉरेक्स ब्रोकर के साथ, और आपके पास इसमें से कोई फॉरेक्स ब्रोकर है ही नहीं, तो सीधे इसको मिनिमाइज करेंगे। और क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूं, जो नीचे का पैनल है एक बिगिनर ट्रेडर के लिए कोई काम का नहीं है, एक आगे के ट्रेडर के लिए काम का, मैंने आगे बताया वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो नीचे की स्क्रीन है,
नॉट ऑफ एनी यूज. तो कैसा लगा अभी तक कि लेफ्ट वाला सिर्फ दो चीजें काम की, नीचे वाला कुछ काम का नहीं है. थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, चल मेरे को मालूम है ट्रेडिंग व्यू, मतलब ये देख के डर नहीं लग रहा. राइट साइड आते कुछ काम नहीं नीचे सुपर तक का, यही एक्सपेक्ट किया था. हाँ वैसा ही है, एक चीज छोड़ के दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस पोर्शन जिसमें वॉच लिस्ट मिलती है, और एक ये अलर्ट, ये नीचे की कोई भी चीज आपके काम की नहीं है नए ट्रेडर के लिए, ये बहुत काम की चीज है, इसे कहते हैं वॉच लिस्ट. खोल लेते हैं. अब खोलने के बाद आपको क्या दिख रहा है, लिखा हुआ SPX, NDX, DJI, VIX, डॉलर इंडेक्स, DXY, एप्पल, टेस्ला. आइए यहां पे क्लोज करिए, डिलीट मार दो, पूरा डिलीट मार दो. मैंने आपको मेरे स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे स्टॉक की लिस्ट दी हुई है, फिर भी इस वीडियो में नहीं है तो देख लेना स्टॉक सिलेक्शन वीडियो पे जाके यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका जेन्युइन वॉच लिस्ट, इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा. अब यहाँ पे आने के बाद आपके पास यार देखो फ्री वाले अकाउंट में एक ही वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन होता है, तो एक वॉच लिस्ट दिया हुआ है, एक रेड लिस्ट दिया हुआ है. तो रेड अगर आप हर वॉच लिस्ट में अपने कुछ स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो कि ये उसमें भी रहे, तो ऐसे तो आप क्या करो, सबसे पहले प्लस पे क्लिक करो, निफ्टी लिखो, इस तरीके से निफ्टी लिखा आपने, आ गया निफ्टी यहाँ पे. अब इसके बाद बैंक निफ्टी लिखो, आ गया बैंक निफ्टी यहाँ पे, आ गया बैंक निफ्टी यहाँ पे. इसके बाद आप रिलायंस लिखो, तो जैसे आप TCS लिखो, TCS लिखते हो, कितने सारे TCS आ गए, बचना ये सबसे. तो क्या करें, यहाँ पे आपको जो ग्लोब दिख रहा है इस पे क्लिक करें, ये सारे एक्सचेंज दिखा देगा, नॉर्थ अमेरिका में NASDAQ है, कॉमेक्स है, CBOE, यूरोनेक्स, इतने सारे आपको दिख रहा है. आपको कहाँ जाना है, ऑब्वियसली एशिया में आना है, एशिया में आके दिखा रहा है BSE, NSE. अगर आप NSE सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए सिर्फ दो TCS दिखाएगा, एक फ्यूचर्स दिखाएगा TCS का, गुड वन. हाँ तो मैं तो इसको ग्लोबल लेवल पे सेट करके रखता हूँ. और एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को, ट्रेडिंग व्यू इज अ ग्रोइंग कंपनी, यू सी MCX इज ऑल्सो नाउ हियर, मतलब पिछले साल के पिछले छह महीने या तीन चार महीने में ही आया है. अगर आपको कमोडिटी ट्रेड करना है, गोल्ड करना है, तो वो आपको इंटरनेशनल गोल्ड देखना पड़ता होगा, सिल्वर देखना, तो जो इंटरनेशनल USD में डील हो रहा है वो सिल्वर देखना पड़ता होगा. तो अब इन लोगों ने MCX से भी टाई अप कर लिया बोलो, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन, आपको MCX के भी डेटा इसमें मिलेगा. तो क्योंकि मेरे को सब चाहिए होता है, कभी MCX का भी चाहिए, कभी फॉरेक्स का भी चाहिए, कभी क्रिप्टो देखना है मेरे को, कभी BSE देखना है, तो इसीलिए मैं इसको यहां पे सेट रखता हूं ऑल पे. आपने सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, SBI, रिलायंस करना, इसको आप NSE सेट कर दो. मैं यहां पे ये सेट करके रखता हूं, TCS में देख लेता हूं NSE वाला है. ओके TCS आ गया, ऐसे करके आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे SBI ऐड कर सकते हो, आ गया SBI ऐड कर दो. सो उस पे क्लिक करोगे तो वो चीज खुल जाएगी, सिंपल है, वन क्लिक एंड इट्स ओपन. सो यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वॉच लिस्ट, यू कैन ऑल ऐड दिस. एंड यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन मिलता है अलग अलग कलर करने का, कि बेरिश होगा. वेल अगर आप दूसरा क्लिक करने की कोशिश करोगे तो बोल देगा नहीं नहीं नहीं, आपको अब और पैसे देने पड़ेंगे और आपको दूसरा प्लान लेना पड़ेगा. तो वो अकाउंट भी मैंने दिखाया है यूज करके. सो अभी एक ही रेड कर सकते हो, तो रेड करने का फायदा क्या होता है, दो को रेड कर दिया तो सिर्फ रेड देखने अपन को, तो अपन को ऐसे रेड दिखा देगा, वॉच लिस्ट पे आ जाओगे तो पूरी वॉच लिस्ट दिखा देगा. इसको पूरी भर सकते हो, दिस नो लिमिट, जितने स्टॉक रखने इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हो. यहाँ पे कुछ SBI की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो जरूरत नहीं है मेरे को, कि डे की रेंज है, ये सब मेरे को ऑलरेडी मालूम है, तब मैं आके ट्रेडिंग कर रहा हूं. यहाँ पे ये मेरे सिर्फ चार्ट्स पे, चार्ट्स के लिए काम आता है, ठीक है. वहां पे एक वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर लगा, आई वुड लाइक टू रिमूव इट, ओके, कीपिंग इट एज सिंपल एज पॉसिबल. तो ये था यार वॉच लिस्ट. ये अलर्ट्स है, ये अलर्ट्स मैं आपको बताऊंगा, ऐसे काम नहीं आती. जैसे मैं बताता हूं अभी अलर्ट्स की बात करते हैं, यहां पे आके क्रिएट ट्रेड नहीं करना कभी अलर्ट. जैसे आपने देखा कि अगर SBI कल इसको तोड़ देता है, किसको, इसके हाई को, तो मैं खरीदूंगा. तो यहां आए हल्का सा ऊपर, एक राइट क्लिक दबाए तो एड अलर्ट आ रहा है, क्लियर दो. अब SBIN क्रॉसिंग अप डाउन नहीं, ये समझ जाओ, सिर्फ क्रॉसिंग लिख दो, वैल्यू सब कुछ सेट है, ओनली वंस कर दो, ओपन एंडेड कर दो. अगर हमें एक बार चाहिए तो सब कुछ ठीक है, एक्सपिरेशन दिया हुआ है उसने 12/7 तक का दिया हुआ है, हाँ दिसंबर तक का दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो ओपन एंडेड. और अगर आप सेंड ईमेल पे भी क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, इससे आपका जो ईमेल आईडी आपने सेट किया था, इस केस में मेरे फ्रेंड का, उसमें ईमेल आएगा कि यहाँ पे लिखा होगा SBI क्रॉसिंग 2229, बस सिंपल इस तरीके से लिखा होगा, तो दैट्स इट. तो आप इस पे आके इसको सेट कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो और क्रिएट कर दोगे तो सेट हो जाएगा. या बोलोगे कि जब भाई ये जो गैप फिल होगा तो मैं करना चाहता हूं, ठीक है भाई, गैप कैसे फिल होगा, जब ये लो टूटेगा तो गैप फिल होने की कोशिश करेगा बैंक, यहां पे लगा दो यार ऐड अलर्ट, खत्म, सब कुछ सेट होता है. आप चाहो तो रिंग विंग भी कौन सी सुननी है वो सब भी सेट कर सकते हो, एक बार की मेहनत है, 5 मिनट दे देना, वहां पे क्रिएट कर दो, क्रिएट कर दी. देखो यहाँ पे देखो छोटा सा एरो बना हुआ है, एरो बन चुका है, वहां पे जब भी आएगा वो बजेगा, आपके ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन में भी बजेगा, मोबाइल में ऐप है तो मोबाइल पे भी बजेगा, ईमेल भी आएगा, ठीक है, गुड फीचर, आई लाइक इट, है ना. और इसमें कुछ रहता है, एक्सपिरेशन 2 महीने का देता है हमारे उसमें, मतलब फ्री में हमेशा का देता है, नॉट अ बिग डील, कैन बी यूज्ड. डिलीट कर दिया, फाइन. तो
चलो आई होप आपको वॉचलिस्ट समझ में आ गया, अलर्ट समझ में आ गया, बाकी आपके कोई काम की चीज नहीं, ट्रस्ट मी यू वोंट बी एबल, यू डोंट नीड इट टू मेक मनी इन द मार्केट। ठीक है, अब आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सोच के कि चल यार लेफ्ट साइड का क्लियर हो गया, बॉटम साइड का क्लियर हो गया, इस साइड का भी क्लियर हो गया, आसान लगा थोड़ा, जिंदगी आसान हुई, आई होप सो हुई होगी। अब जो ऊपर का पैनल है इस पे आते हैं, ये रहा पब्लिश, नहीं करना भाई पब्लिश वब्लिश, ये रहा फोटो खींचने का, फोटो खींच लोगे तो वो तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और फोर से भी खींच सकता हूँ, इस पे लेकर के क्या कर सकते हो, उस पे कुछ कुछ लिख के अपने आइडिया पब्लिश कर सकते हो। क्यों करोगे ये सब? ताकि दूसरे लोग देखें, देखे हाँ ठीक है कुछ लोग करते हैं, मे बी दे आर हेल्पिंग समवन, तो इट्स ओके करते रहो, मैं नहीं करता पब्लिश वगैरह मेरे आइडियाज, ऐसे आपको भी करने की जरूरत नहीं, आप अपना पीएनएल पे ध्यान दो, अपना काम करो, अपनी ट्रेडिंग करो, अपना सीखो पहले। तो ये दो बटन हमारे काम की नहीं है, ये फुल स्क्रीन है, नहीं करना मुझे, हो गया फुल स्क्रीन, नहीं करना, एस्केप दबा दिए, हमारा फुल स्क्रीन से वापस आ गया। ठीक है, आने के बाद हम आ जाते हैं सेटिंग पे, ये सेटिंग मैं आखिरी में सिखाऊंगा क्योंकि ये सेटिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लुक्स की सेटिंग है, ये काम की सेटिंग नहीं, जो पीछे लाइन बनी है ऑरेंज दिख रहा है येलो दिख रहा है वो सब की सेटिंग है, तो इससे बाहर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको यहां पे मैं कैंसिल करता हूं। अब इसके बाद यहां पे आने के बाद ना गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके में ऑटो सेव नहीं चालू होगा, ऐसा बंद होगा, तो उसको प्लीज चालू कर लेना। ठीक है, चालू कर लेना, और इस वाले चार्ट का आप नाम रख सकते हो, ऐसे वाले का माय चार्ट अनीश, ऐसे करके आप अपने कुछ भी रख सकते हो, तो आप माय चार्ट आ गया, ऑटो सेव होते जाएगा। ठीक है, शेयरिंग वेयरिंग मेकअप का भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बगल में देखो जो बॉक्स बनाई, ये अपन को ऑफर दे रहा है, यहाँ पे अपन को एक लालच दे रहा है कि आप डबल स्क्रीन कर सकते हो, ऐसे साइड से, ऐसे नीचे पीछे से, तीन कर सकते हो, चार कर सकते हो, आठ कर सकते हो, करके देखो, यू आर गोइंग टू नीड अ बिगर मॉनिटर बोल दिया, ठीक है ले लेंगे कोई नहीं, मतलब ओके okay, तो आपको समझ में आ गया, इट विल ट्राई टू सेल यू दिस प्रोडक्ट, इफ यू नीड इट यू बाय इट, इफ यू डोंट वांट इट डोंट बाय इट, बट इफ यू नीड इट व्हाई नॉट, वी कैन इन्वेस्ट, इतना तो मैं कर ही सकता हूं मेरी खुद की ट्रेडिंग पे कि महीने का 5,000-4,000 रुपए तो मैं करना चाहूंगा कई सारी चीजों में। आप बिजनेस जब भी रन करते हो, भरते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस का, देते हो सैलरी स्टाफ को, देते हो आप कई टाइप के बिल्स इंटरनेट से लेकर के 100 तरीके के, तो उसी तरीके की बात हो गई, तो उस चीज के लिए होगा। मैं इस वीडियो में फ्यूचर आगे जाकर के जो पार्ट है उसमें बताऊंगा कैसे इसे अपन को यूज करना है। लेफ्ट साइड में आते रीप्ले ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया फीचर है, कहीं भी जाकर के बैक टेस्टिंग करनी कर सकते हो, आगे क्लिक करो यहाँ पे, तेरे पैसे मांग दिया उसने, तो ये यहाँ भी आपको रोकेगा, बट मैंने दिखाया करके आगे आपको कैसे कैसे आपको रीप्ले कर सकते हैं, और मैंने कुछ पुराने वीडियोस में भी दिखाया है, अच्छी चीज है, कभी कभी काम आती है स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करने के लिए। तो इट इज रीप्ले, ओके इसको बंद करते हैं। अलर्ट अपन बात कर चुके, यहां से मतलब लगाओ, नंबर नंबर लिखना पड़ता है, 2-1 इन सब कौन करेगा, सीधे चार्ट पे आओ, जैसे यहां पे अलर्ट लगाना, राइट क्लिक करो, अलर्ट लगा लो, खत्म काम। अलर्ट भी सिंपल है, टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या होता है, जैसे आपने तीन इंडिकेटर लगाए, इसकी बात करते हैं, जैसे आपने तीन इंडिकेटर लगाए, अब आप चाहते हो इसमें तीन इंडिकेटर की लिमिट है इसलिए तीन बोल रहा हूं, आपने पांच लगाए, पांच छह लगाए, वैसे लगाने नहीं चाहिए तीन के ऊपर, तो चार मैक्सिमम, वो भी अलग अलग वेरी, अगर कोई मोमेंटम इंडिकेटर है तो कोई एक मूविंग एवरेज है तो कोई एक अलग टाइप का इंडिकेटर है, एक एडीएक्स जैसा, अलग अलग इंडिकेटर, एक टाइप का एक ही लगाना चाहिए, ये बोलना चाहता हूँ। तो जब आप उसको सेव कर लेते हो ना, तो यहाँ पे सेट हो जाता है, दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक ऑसिलेटर्स करके इसने बनाया हुआ है, ये देखो टेम्पलेट है, टेम्पलेट इंडिकेटर्स का, यहाँ पे सुंदर सा एक रिबन जा रहा है, इतने टाइप के सारे जिंदगी में जितने नंबर आते सारे ईमेल लगा दिए इसने यहाँ पे वॉल्यूम के साथ, पता नहीं क्या काम आता होगा, देखो दिख तो रहा है कि अब ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, देखो किसी को करना है ट्राई कर लो यार मेरे बन। तो हम अपना कैसे बना सकते हैं, हम अपना बनाने के लिए अपन ने जैसे अपन यहाँ पे आते हैं इंडिकेटर्स पे, अपन इंडिकेटर लगा दिया, जैसे कि कई लोग बोलते हैं मेरे को इस पे वीडियो बना दो इचिमोकू क्लाउड पे, है ना, उन लोगों उनको चाहिए कि इचिमोकू क्लाउड सीखें वो लोग, यहाँ ये लगा दो, ठीक है, इसके बाद आप इसमें लगा दो, अब इसमें बॉलिंगर बैंड भी लगा दो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, मैं आपको बॉलिंगर बैंड भी लगा, तो मजा आ गया गाइस चार्ट देख के, है ना, मस्त लग रहा है ना। अब लोगों के आप लोग बोलेंगे अनीश भाई आपको ट्रेडिंग आती है क्योंकि आप तो ये सब कर लेते हो जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है प्राइस, दैट इज प्राइस, वो ही नहीं दिख रहा है, सेंकन दिख रहा है, टेंकन दिख रहा है, क्लाउड दिख रहा है, 20 मूविंग एवरेज दिख रहा है, उसका डिविएशन दिख रहा है, एडीएक्स दिख रहा है, प्लस प्राइस नहीं दिख रहा। तो बस मजाक कर रहा था यार, सिखा रहा था, टेम्पलेट बनाना है तो ऐसा कुछ सेट करो खुद का, सेम ही इंडिकेटर टेम्पलेट करो और यहां लिखो आई एम द कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडर, आई नो एवरीथिंग। अच्छा सिंबल सेम रखना, तो जैसे सिर्फ एसबीआई के लिए काम करता है क्या ऐसा कुछ, इसको मत टिक करना, इंटरवल टिक कर लेना, क्यों,
ऑब्वियसली सेटअप पे मत करना, मतलब कोई स्ट्रैटेजी जो होती है अगर वो 15 मिनट में काम करती है तो डेफिनेटली 15 मिनट में अच्छी काम, उसको वो वीकली में काम नहीं करेगी उस टाइप से या डेली में। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, सारे के सारे लोग जिनको मैं पूछता नहीं, नहीं सारे में काम करती है, नहीं करती भाई, हर स्ट्रैटेजी का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, वो वही वैसा बिहेव करती है। जब आप ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करते हो तो टाइम फ्रेम, तो मैं यहाँ पे रिमेंबर करता हूँ इंटरवल, क्योंकि यूजुअली अगर मैं मेरा टेम्पलेट बनाता हूँ कुछ इंडिकेटर्स के थ्रू या कोई सेटिंग बनाता हूँ, तो आई वॉन्ट की वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए बने। तो इस सेक्टर के सेव कर लो कि आपने सेव हो जाए सेव। अब देखो इसको रिमूव कर दो इंडिकेटर्स, ओके भाई जिंदगी चल रही सिंपल। अभी आपने बोला मेरे को चाहिए द कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडर वाली लाइफ, क्लिक करो आगे वापस बिना मेहनत के। तो मजाक था, ऐसा यूज नहीं करना है, बट टेम्पलेट कैसे बनाते मैंने दिखाया आपको, ओके आई होप टेम्पलेट समझ में आ गया आप लोगों को। फाइनेंशियल्स, दीज आर फॉर फंडामेंटल, एसबीआई का ग्रोथ क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, टैक्सेस कितने पे किए, बैलेंस शीट के हिसाब से एसेट्स कितने, रिसीवेबल्स कितने इनके पास, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने, प्रीपेड एक्सपेंस कितने, कैश फ्लो कैसा चल रहा है, कितना ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, कितना टैक्स पेबल है, कितना वर्किंग कैपिटल में चेंज है, स्टैटिक नहीं काम का है, पढ़ दिया जल्दी जल्दी नहीं काम का है। अगर ये सब जानना है बेटर है इकोनॉमिक टाइम्स पे जाओ, वहां पे प्रॉपर आपको बैलेंस शीट मिलेगी, हर 3 महीने बाद ये लोग अपडेट करते हैं, वहां पढ़ो ना फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ये tradingview.com पे मत करो फंडामेंटल एनालिसिस, मजा नहीं आएगा। इंडिकेटर्स ठीक है, बिल्ट इन इंडिकेटर इतने सारे आते हैं, आपको यूज करने चाहिए लिमिटेड, मैं बता चुका हूं, मैंने एक वीडियो दिया आपको VWAP पिवट वाला दिया हुआ है, मैंने आप उसे यूज करो, स्टोकेस्टिक RSI वाला, मैंने मूविंग एवरेज पे स्ट्रेटजी दी है, मैंने बताया, मैंने RSI पढ़ाया, डाइवर्जेंस बताया आप लोगों को, और आई थिंक इसके ऊपर जानने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से जानने की, आप उतने में बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। तो यहां से आप इंडिकेटर सेलेक्ट करते हो कि सिंपल क्लिक किया तो आ गया, क्लिक किया तो आ गया, ऐसे 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 आप क्लिक किया तो आ गया, जहां जहां क्लिक करोगे तो आपको ऐसी चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है। तो नाउ यू कैन रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स, एंड ये जल्दी से खुल गया पैनल, तो मिनिमाइज कर दो, यहां पे आके मिनिमाइज हो गया है। तो आई थिंक इंडिकेटर भी क्लियर कर लिया हम लोगों ने कि भाई कैसे इंडिकेटर काम करते हैं, हम लोग को मालूम चल गया। अब कंपेयर करना है, क्यों करना है, क्लियर कर कंपेयर किससे कहां करना है, SBI तो बैंक निफ्टी से कर लो, कर लिया भाई, ये तो ये कुछ ऐसा आ गया, वो लाइन चार्ट में ही आएगा, तो आपको भी ना यहाँ के SBI को खुद को लाइन बनाना पड़ेगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो, देखो थोड़ा बहुत मूवमेंट एक जैसा है क्या, बिल्कुल है, SBI का अच्छा कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का, तो ऐसे करके आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं तो नहीं करता कंपेयर, कंपेयर करना होता तो अलग अलग जगह खोल लेता, अलग जगह खोल के अपना काम कर लेता अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आके बंद करोगे तो हट भी जाएगा कंपेयर, तो कंपेयर ऐसा कर सकते हो, बट आप उससे अच्छा दो टैब में कंपेयर कर लो, क्या कंपेयर करना चाहते हो, बट ऐसे करना चाहते हो कि क्या कोरिलेशन है इसका निफ्टी के साथ किसी स्टॉक का, तो आप पता कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या होता है गाइस, ये ना पहले बार्स टेक्निक यूज की जाती थी, ऐसे ये वाले बार्स यूज किए जाते थे, फिर हम लोगों ने अभी कैंडल यूज करते हैं, सबको मालूम है कैंडलस्टिक क्या होते हैं, ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यू से बनते हैं, एक हॉलो कैंडल्स भी होते हैं देखो, ठीक है। फिर आपको हाइकिनाशी मिलेगा, कई लोगों के कोर्स चल रहे हैं इस बेसिस पे कि अब एडवांस पढ़ाएंगे आपको, अब आपको ये पढ़ना है, ऑलराइट यूज इट, आई हैव यूज्ड एवरीथिंग, लाइन वगैरह ऐसे बनता है, एरिया भी ऐसा होता है, बेसलाइन एक ऐसा होता है, रेंको एक ऐसा होता है, रेंको के लिए इनको पैसा चाहिए क्या, अच्छा नहीं खोल तो दिया इन्होंने, तो रेंको मतलब ये भी मैंने यूज किया है भाई, देखो ऑनेस्टली कह रहा हूँ, नए पुराने सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को इससे अच्छा कुछ नहीं, सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर मुझको अग्री करेंगे इस बात पे, सारे नए लोग सुन लो, कैंडलस्टिक से अच्छा कुछ नहीं, मत भागो फैंसी चीजों में, वो सब डिस्टर्बेंस है जो आपको सही जगह पहुंचने से रोकेगा। ये सुनने में अच्छा लगता है कागी पॉइंट फिगर रेंज, ट्रेडिंग भी का तो बिजनेस, उनको तो देना ही पड़ेगा टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम यहां से बदलता है, 1 मिनट खोल लो, 1 घंटा खोल लो, 1 सेकंड खोल लो तो पैसा मांगेगा, ये अपन वहां देख सकते हैं सेकंड बाय सेकंड मार्केट। जिन लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं उन लोग बोल रहे हैं वाह 1 सेकंड भी कर सकते हैं, उस पर कूदना चाहेंगे, स्कैल्पिंग करने मत करो ना यार भाई छोटा 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो, वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से 5 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक सीक्रेट बताता हूँ, सीक्रेट नहीं है सबको मालूम है, बट ये नए लोगों के लिए, कि अब आपको टाइम फ्रेम मतलब माउस लेके उधर नहीं जाना है, सीधे टाइप करो 15 और एंटर मारो, खुल गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम, सीधे करो 1H एंटर मारो, नहीं टाइम है सीधे दबाओ 1D एंटर मारो, सीधे दबाओ 1M खुल गया 1 मंथ, कहां क्लिक किया कहीं नहीं, सीधे कीबोर्ड पे टाइप करो, सीधे किस तरीके से आपको टाइप करना है सीधे टाइप करो एंड दैट्स इट, ठीक है। 15 दबाओ खुल गया 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट खुल गया, तो ऐसे करके आप कुछ भी खोल सकते हैं, ठीक है। 5 दबाएंगे 5 मिनट खुल जाएगा, 30 दबाएंगे 30 मिनट खुल जाएगा, मिनट के लिए क्वेश्चन लिखना पड़ता है, आवर के लिए H और दिन के लिए D लिखना पड़ता है, तो आपका खुल जाएगा। 7D लिखेंगे तो एक वीक खुल जाएगा 1W के बदले, ओ ये 1 के अलावा नहीं दे रहा है फ्री वाले अकाउंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर यहां आकर के लिखोगे रिलायंस, तो आ जाएगा रिलायंस, ठीक है, आ गया भाई रिलायंस इंडस्ट्री। शॉर्टकट कहीं के टाइप मत करो, मत ले जाओ माउस वहां, जहां बैठे वहीं बैठे, सीधे टाइप करना चालू करो निफ्टी एनआईएफटी वाई, ये इतना बढ़िया शॉर्टकट्स है इसमें ट्रेडिंग व्यू में, इसलिए मैं इतना इंप्रेस्ड हूं और दुनिया में सारे लोग इंप्रेस्ड है। ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी का भी, और क्या खोलना चाहते हो इसके बाद, आप आईटीसी खोलना चाहते हो, टीसीएस खोलना, सिर्फ टीसीएस दबाओ, आ गया टीसीएस आपके पास, तो ये दूसरा शॉर्टकट हो गया। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी हुई है, किसी लोगों को डार्क पसंद होती है, किसी को व्हाइट पसंद होती है। अच्छा, ब्लैक इसलिए यूज करते हैं लोग क्योंकि आंख में छुपता है व्हाइट, सही बात है छुपता है, ब्लैक इज मच मोर कंफर्टेबल, बट कंफर्टेबल बट ट्रेडिंग ही नहीं करते बनता मेरे को इसमें, सो आई प्रेफर द व्हाइट वन, आई यूज द ग्लासेस व्हेन आई ट्रेड, बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने ब्लू लाइट फिल्टर करती है जो, तो आप भी वो, आपको जो पसंद है आपको कर सकते हो, बाकी कुछ काम का नहीं है। यहां आके थोड़ा सा हिंट देता हूं, ट्रेंड लाइन आपको मालूम है, यहां पे क्लिक किए, एक क्लिक के दूसरा छोड़े ऐसे ट्रेंड लाइन खिंच जाती है ना, यहां पे आए इस पे क्लिक किए, आपने कहीं पे भी क्लिक किया ऐसे करके, जैसे क्लिक किया ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। दूसरा कौन सा काम का चीज मैंने बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं भी क्लिक किया ड्रॉप हो गया, कहीं भी क्लिक किया ड्रॉप हो गया। शॉर्टकट विंडोज वालों के लिए ऑल्ट और मैक वालों के लिए ऑप्शन, ऑप्शन क्लिक करके एच दबा दो ना, जहां भी माउस रख करके एच, यहां पे एक बार माउस ले आए, यहां पे एच आ गया, एच एच यहां पे एच, इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन फटाफट खींच सकते हो बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। यहां पे क्लिक किया ऑप्शन टी दबा करके, जब आपने ऐसे क्लिक ऑप्शन टी से भी आई थिंक ये होता, या हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है ट्रेंड लाइन, ऑप्शन ऑप्शन टी से ट्रेंड लाइन, ऑप्शन एच से हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ऑल्ट टी से ट्रेंड लाइन, ऑल्ट एच से हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं ट्रेंड लाइन के लिए शॉर्टकट यूज नहीं करता, मैं वहां क्लिक कर देता हूं, वहां दिखता ही रहता है ऊपर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए मैं ऑल्ट एच यूज करता हूं, ठीक है। तो हमने ये, आपको मैंने अभी ये भी बता दिया, अभी हमने ये भी सीखा किस तरीके से काम करते हैं, ओके। तो अब जो आखिरी चीज बचती है, बाकी तो क्या कहां यूज करना है मैं बताऊंगा आने वाले पार्ट में, ये रही वो सेटिंग जिसकी बात करे थे जो, अच्छा देखो कभी भी एकदम गड़बड़ हो जाए माउस, ऐसा दिखने लग जाए अचानक से आपका ग्राफ, सिंपल राइट क्लिक करना, रीसेट चार्ट पे क्लिक करना, सब ठीक हो जाएगा। या आपको मतलब थोड़ा और जूम इन करना है तो माउस से तो होता ही है, ये राइट में पकड़ोगे ना ऊपर नीचे करने से भी ऐसा छोटा भी हो जाता है, ऐसे करने से सब बड़ा भी हो जाता है, बड़ा छोटा यहां से भी कर सकते हो, और कुछ बिगड़ गया नहीं समझ में, राइट क्लिक करो रीसेट चार्ट, अदरवाइज ऑल्ट या ऑप्शन आर, रीसेट हो गया भाई, खराब हो गया था सब, ऑल्ट आर सब ठीक हो जाएगा। तो जहां भी बेसिक जो व्यू मिलेगा ऑल्ट आर से ठीक हो जाएगा या ऑप्शन आर से ठीक हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई जरूरत पड़ती नहीं है। एक जो सेटिंग थी जो यहां राइट क्लिक करके भी आती है, तो कलर थीम यहां पे भी मिल रहा है, वो वहां से भी कर सकते हो। सेटिंग, ये सेटिंग, ये सेटिंग सेम है, कहीं भी क्लिक कर दो खुल गया, सिंबल आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, बॉडी का कलर बदल दो, बॉडी क्यों बदलना है भाई, क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम है, ग्रीन रेड में परफेक्ट है, क्यों जबरदस्ती का नहीं करो, ठीक है। आप अगर ये चालू, अब एक्सटेंडेड आवर्स पोस्ट मार्केट प्री मार्केट लाइन, ठीक है, इसकी, अच्छा इसके लिए मेरे को छोटा टाइम फ्रेम खोलना पड़ेगा, दिखेगा नहीं अदरवाइज, अब दिख रहा है, आ गए, देखो पीली पीली जो लाइन दिख रही है ना, वो क्या दिख रही है, वो क्या दिख रही है, वो पता है आपको, एक्चुअली मार्केट जब 3:30 पे बंद होता है तो बंद नहीं होता 3:30 पे, मतलब बंद तो हो जाता है, बट देयर इज सम कैलकुलेशंस, यू विल ऑलवेज सी कि निफ्टी का ग्राफ ना कहीं अलग जगह रहता है। और जैसे अभी ट्राई कर लेते हैं ना टीसीएस का, क्या दिखा रहा है आपको क्लोजिंग, यहां तो सही दिखा रहा है, ठीक है, निफ्टी खोलते हैं, ठीक है, निफ्टी कहां दिखा रहा है आपको, बंद कहां हुआ है, 12263 अभी तो दिखाएगा ये, ठीक है, बट अच्छा ये जो छोटा सा जो कैंडल है ना, देखो टाइम, देखो टाइम 10 बजे दिखा रहा है, अच्छा वो क्योंकि हमने टाइम फ्रेम्स, अच्छा पहले टाइम जोन मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या मतलब है, उसके पहले मैं टाइम जोन ठीक करना चाहता हूँ आपका, मैं आपको, आपको मालूम है कहाँ रहते हैं, हम कलकत्ता में रहते हैं, है ना, हम सब इंडिया वाले कलकत्ता में ही रहते हैं, ऐसे ही लगता है पता नहीं दुनिया को, तो ठीक है अपन कलकत्ता में रहते हैं, ओके इसको मान लेते हैं। अब देखो नीचे भी टाइम ठीक हो गया होगा कि रात का 10 बज गया, 8 बजे से वीडियो बना रहा हूँ, बट कोई नहीं, अब यहाँ माउस रखूंगा तो टाइम देख रहे हो 15:15 से खत्म, ये लास्ट कैंडल उन चीज, एक और है ये हल्का सा जो मूवमेंट हुआ है ना गाइस, ये बहुत कम मूवमेंट हुआ है, कई बार बड़ा मूवमेंट आता है, द मार्केट गॉट क्लोज्ड यहां पे 12261 पे बंद हुआ था फ्राइडे को, बट एक और, इसको पोस्ट मार्केट कहते हैं, देखो लिखा होगा कहीं पे पोस्ट मार्केट, तो उसको बताता है, आपको जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो इसको बंद कर दो, बंद करने से क्या होगा, सिर्फ जो पीली पीली जो लाइन थी ना आपकी वो हट जाएंगी, वो जो येलो लाइंस थी, और इसको चालू रखोगे तो आपके चार्ट में वो जो पीली लाइंस हैं आपको दिखते रहेंगी। इफ यू डोंट लाइक द पीला लाइन रिमूव इट, इफ यू वांट इट यू कैन हैव इट, इफ यू वांट एक्सटेंडेड, वो इन्फॉर्मेशन एनएसई की वेबसाइट पे भी मिल जाती है और यहाँ पे भी मिल जाती है।
तो ये था ये बाकी जो जैसा सेट है इसको वैसे रहने दो, ठीक है? ओके, आपको पीछे ये बॉक्स दिख रहा है, लेफ्ट नीचे ऊपर लेफ्ट राइट डब्बे दिख रहे हैं, वो क्या है बताता हूं। सिंबल क्या होता है, होना चाहिए OHLC, ये सब कुछ ऐसे रहने देना, इसको टच मत करना। स्केल पे आ जाते हैं, सिंबल नेम लेवल, सिंबल प्राइस लेवल, बिड एंड आस्क लेवल, जे को जैसा मेरे में है इसको वैसे रहने देना, नो नीड ऑफ चेंजिंग एनीथिंग ओवर हियर। अपीयरेंस पे आते हैं, अब जो पीछे की जो लाइन है ना, अगर नहीं चाहिए, जैसे मुझे तो पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आओ, कहाँ कलर पे, क्या व्हाइट बैकग्राउंड है आपका, व्हाइट कर दो, हट गया वो। हॉरिजॉन्टल का व्हाइट कर दो, वो भी हट गया, प्लेन चार्ट हो गया, परफेक्ट। अब सेशन ब्रेक नहीं चाहिए मेरे को, हर दिन बाद जो नहीं चाहिए मेरे को, उसको ऐसे रहने दो। वॉटरमार्क अगर क्लिक कर देंगे तो पीछे निफ्टी लिखा जाएगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लिखा जाएगा और इंडेक्स से बता देगा। नहीं चाहिए मेरे को मालूम है मैं क्या खोल के रखा हूं, नहीं चाहिए वाटरमार्क। आपको चाहिए तो ले लो, यहाँ पे आकर के उसकी ओपेसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हो कि लाइट दिखे, हार्ड दिखे, थोड़ा सा दिख रहा है, बट मेरे को चाहिए नहीं, मुझे मालूम है मैं क्या खोल के बैठा हूं, ये सब चाहिए नहीं हम लोगों को। ट्रेडिंग पे आते हैं, शो पोजिशन, शो ऑर्डर, ये सब क्या है, जिन लोगों का ब्रोकर अकाउंट कनेक्टेड है, आपका तो है नहीं फॉरेक्स में, तो जरूरत ही नहीं इन सब चीजों की। इवेंट्स, ये आजकल बताने लग गया, डिविडेंड कब कौन सा स्टॉक देता है, स्प्लिट कौन सा स्टॉक देता है, अर्निंग्स, वैसे भी इन सब चीजों में जिनको इंटरेस्ट होता है ना, वो ऑलरेडी फंडामेंटल करके बैठते हैं इन्वेस्टर लोग, तो उनको जरूरत नहीं है ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, बट है तो ठीक है, नहीं चाहिए तो हटा दो, चाहिए तो रहेगा, तो इसको ओके कर दो। वी आर वेरी मच डन विथ ऑल द थिंग्स जिसमें कि हमने ये किया, मतलब जैसे कि एक बिगिनर लेवल के लिए हम ट्रेडिंग व्यू समझ पाए, ट्रेड करने के लिए कि हम अपनी प्रैक्टिस कर पाए। अब हम स्टार्ट करेंगे और सीधे जाएंगे मेरे क्रोम, दूसरे टैब में खोलूंगा जहां मेरा ऑलरेडी प्रीमियम अकाउंट खुला हुआ है, क्या फर्क है, क्यों लेना है, क्या अब जो जैसे जिस लेवल पे मैं ट्रेड करता हूं, तो क्या मेरे को सच में 3 ड्राइव पैटर्न चाहिए, क्या चाहिए। गूगल क्रोम खोलता हूं एंड ये आ गया मेरा अकाउंट। अब इसको अपन यहां पे इसको मैं रीसेट करता हूं, ठीक है, इसको मैं रीसेट करता हूं। मैं यहां पे आता हूं निफ्टी सेक्टर्स पे, यहां पे आके निफ्टी पे क्लिक करते हैं और ओके यहां से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वहां क्या क्या नहीं कर पाए थे, यहां क्या क्या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ भी नहीं, अब जितने भी ट्रेडर्स जो मतलब जो कम से कम 2 साल से ऊपर हो गया है, उनको क्या क्या जरूरत है उस पर बात करते हैं। देखो यार, यहां पे आने से पिचफोर के काम आता है कभी कभी, आपको यूज करना है तो दिस थिंग, नॉट शिफ्ट बट दिस वन कैन बी यूज्ड सम ऑफ द टाइम्स, दिस थिंग फिब रिट्रेसमेंट डेफिनेटली यू कैन यूज ऑल द टाइम। ये क्या होता है, अभी मैं बना दूंगा वीडियो बाद में, इसके लिए लो और हाई पकड़ना पड़ता है, तो हाई और लो पकड़ना पड़ता है एंड देन यू रिट्रेसमेंट लेवल बनाते हो, इसकी सेटिंग में जाते हो, इसकी सेटिंग में जा करके भी आपको इतने सारे फिब लेवल थे, कुछ मैंने बंद कर रखे, कुछ मैंने चालू कर रखे स्पेसिफिकली, तो क्यों क्या होता है ये तो कभी फिब के ऊपर वीडियो बनाए तो बता दूंगा, ये काम आएगा। अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल ट्रेंड से दिस पिचफोर्क, दिस फिब रिट्रेसमेंट, ये दो चीजें एक गुड, एक नॉर्मल लेवल के प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए काम आ सकती। अभी गैन बॉक्स और गैन स्क्वायर, ये पता नहीं कौन लोग है जो मिले नहीं मेरे को आज तक, मैंने कभी बुक में नहीं पढ़ा, ये सब की कोई है, शो ऑफ करने वाले लोगों को मैंने बहुत देखा, ये सब की आपे पता है ये होता है वो होता है, खुद यूज नहीं करते बताते सबको है, मैंने क्लियरली बता दिया गाइस, दिस थिंग इज यूज्ड, दिस थिंग इज अदरवाइज नथिंग एल्स इज यूज्ड ओवरऑल। ये क्या काम आता है, ये तो ड्रॉइंग करने के काम आता है, ये क्या आता है, ये तो टाइप करने के काम आता है, ठीक है। इस पैनल को मैं राइट क्लिक करके हाइड कर दूं। ये क्या है, ये तो पता नहीं किसके काम आता है, ये एलियट वेव वगैरह मैं यूज नहीं करता, ये सब लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग चार्ट्स पे यूज करें लोग, आई वोंट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस, ठीक है। क्या होता है भाई, साइड लाइन से क्या होता है, ऐसा करते हैं, अच्छा क्या बात है यार, बढ़िया, कुछ आता होगा भाई, आता होगा यूज को, नहीं बोलते ऐसे। ये क्या है, ये एरो है, ठीक है, ये सब कोई काम नहीं, ये डेफिनेटली काम की चीज है, मैंने बोला हुआ, ये स्केल है, नापने के काम आता है क्या कितना हुआ, जैसे मैं खुद करता हूं कभी कभी, यहां पे स्टॉप लॉस लगाऊं कितना, तो उससे अच्छा क्या है, ये चीज, ये बढ़िया चीज है, यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट, ये दो चीजें मैं यूज करता हूँ। क्या मतलब, जैसे कि मेरे को भी ट्रेड लेना है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने एक रेंज बनाई, ठीक है, मैंने बोला अगर जब भी ये रेंज ब्रेक होगी तो मैं ट्रेड लूंगा, ये हो गई रेंज ब्रेक, तो मैंने यहां पे शॉर्ट करने का डिसीजन लिया, तो यहां पे आना है, शॉर्ट पे क्लिक करना है, यहां पे जहां पे करने वाले हो वहां पे क्लिक किया, स्टॉप लॉस कितना लगेगा इसमें, चलो आपने आज के दिन का, ये दिन का जो लो हाई को लगा दिया, ये आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, अब नीचे का भी ऊपर नीचे कर सकते हो, आपने बोला कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का चाहता हूं, अगर आपने बोला रेंज ब्रेक हुई है 1:2 लेके जाऊंगा, तो नीचे लाते जाओ, तो नाउ यू कैन डिसाइड कि यू विल एग्जिट हियर, यू गो
देखो नो वन इज गॉड दैट वन कैन शॉर्ट हियर एंड एग्जिट हियर. नो वन कैन डू दैट. इफ समवन इज टेलिंग यू दैट ही इज बुलशिटिंग, नकली बात है. अ पर्सन कैन ओनली टेक 1:1.5 और 1:2 और मे बी 1:3 समटाइम्स or some pivot levels, some moving averages, some horizontal levels. But not anyone can take that top and the bottom. वो कोई नहीं ले सकता. इसलिए overconfidence ये सब दिखेगा नहीं आपको, ना मेरे अंदर ना किसी भी अच्छे ट्रेडर के अंदर. लेकिन जो वो दिख जाएगा आपको कि जो ज्यादा बता रहे हैं अपने आप को, अपन के तो ये कर लेंगे अपन वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. मार्केट सबके लिए उतना ही टफ होता है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस लेवल, एक्सपीरियंस के कारण आप गलत चीजें करना कम कर देते हो. और कोई डिफरेंस नहीं होता एक्सपीरियंस और नॉर्मल ट्रेडर के मन में के बीच में. यू जस्ट डोंट डू द बैड थिंग्स दैट यू आर रिपीटिंग 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल के अंदर. आई होप ये सब आपको एक वीडियो के आखिरी में मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं, वो जरूर देखना काम आएंगी. इससे क्या पता चला, आप इतना स्टॉप तो 1:2 लगा सकते हो, ऐसे आप लगा सकते हो. ये आपको काउंट करना है कि आप यहीं तक का टारगेट लेना चाहते हो. दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो आप सिर्फ यहां तक लेना चाहते हो. तो आपने यहां आए और इसको यहां तक, यहां आए ले, तो भी आपका रेशियो 1:1.3 मिल रहा है, इट्स नॉट अ गुड ट्रेड देन. तो रिस्क इतना, रिवॉर्ड इतना, यू कैन अवॉइड और यू कैन टेक. 1:1 से नीचे वाले ट्रेड कभी मत लेना. क्या बोला मैंने, ये लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो वैसे प्रेफर करता हूं 1:1.5 ना मिले तो आई विल लीव द अपॉर्चुनिटी. बट हियर वी कैन क्लियरली सी द रेंज हैज बीन ब्रोकन विद अ बिग एनगल्फिंग कैंडल, इसलिए आई कैन टेक दिस रिस्क ऑफ 1:1.3 तो के नीचे तो इम्पॉसिबल है ले पाना. ओके, तो ये थी शॉर्ट पोजीशन. अब एक लॉन्ग पोजीशन भी इसी की तरह काम करता है. जैसे आपने देखा एक सपोर्ट डबल बॉटम बना, जब डबल बॉटम बना इस विक पे आपने यहां पे एंट्री ले ली कि यार ये डबल बॉटम होगा बोल के. यहां पे आए आप, आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, आपने यहां पे क्लिक किया कि बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस डेफिनेटली इसके नीचे लगाओगे यहां पे और टारगेट 1:1.1:2 का लगाओगे. लो भाई 1:2 का बन गया. तो यहां पे आप एग्जिट कर सकते हो इस सिचुएशन पे. तो ये इस काम आता है कैलकुलेट करने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड, कि जितना रिस्क ले रहे हो कम से कम उसका 2 times रिवॉर्ड लो, 3 times लो, 1.5 times लो, 1.3 times, 1.1 से नीचे, 1.3 से नीचे मत लो, 1.2 के नीचे. थोड़ी ब्रोकरेज फीस भी लगेगी आपको, वो कौन देगा. तो ऐसा करके आप ट्रेड कर सकते हो. तो ये आपके काम का है, ठीक है. ये चीज अच्छी थी, बाकी वो सबको वो ये सभी को जरूरत नहीं फोरकास्ट, ये सब आप सिंपल यहाँ आओ या आपको बता दें कि कितना कितना है, इसके ऊपर आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका काम चल जाएगा. ये मैग्नीफाई करने के लिए जूम इन, ये मैग्नेट ऑन करने से कई बार ट्रेंड लाइन वगैरह खींचते हैं तो सेट इसको बंद रखो आप अपने आपको बेटर रहेगा. इसको बंद रखो, एंकर खिंचा नहीं तो ओएचएलसी वैल्यू के पास जाते हैं. ये लॉक करने के लिए कि ड्राइंग टूल लॉक हो गया, मतलब ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ओपन रखो, हाइड कर देता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई, कर देंगे तो गायब हो जाएगा और कुछ नहीं. ऐसा है तो वो हाइड करने के लिए, डिलीट करने के लिए तो राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो. रिमूव ड्रॉइंग देख रहे हो, बार बार रिमूव ड्रॉइंग, रिमूव इंडिकेटर कर रहा हूं यहां से. तो अभी एक नॉर्मल लेवल के ट्रेडर के लिए कि यहां पे क्या क्या चीजें यूज आती बता दिया. अब नीचे क्या आएगा गाइस, देखो नीचे क्या है मैं आपको बताता हूं. कुछ नहीं, नीचे क्या है, ये जो टेक्स्ट नोट्स डाल सकते हो कि मुझे ये जर्नल लिख सकते हो. आई प्रेफर हार्ड कॉपी जर्नल, आई थिंक यू शुड ऑल्सो प्रेफर हार्ड कॉपी जर्नल. डोंट डू इट, या करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. स्टॉक स्क्रीनर में आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से स्टॉक्स आपको देखना है यहाँ पर पे, कि परफॉर्मेंस वाइज कैसे हो, सेट कर सकते हैं अपन, डिविडेंड दे रहे हो या यहाँ पे सेट कर सकते हो आप. ये एनएससी मैंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी, एनएससी सेट किया हुआ है मैंने यहाँ पे, अपना एनएससी सेट करके आप यहाँ पे. बट नहीं देखना मेरे को यहाँ से ट्रेडिंग व्यू, मेरे पास अगर मेरे को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट होगी. वैसे मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मेरे पास मेरे खुद की कंपनी के ग्रुप्स हैं, बहुत बढ़िया सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है यहाँ पे, सारी की सारी हमको डिटेल यूज. वो आपको वैसे एक बात क्लियरली बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं आपको मेरी कंपनी के ग्रुप में आने की. इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप इंस्टॉल कर लो और मनी कंट्रोल इंस्टॉल कर लो और ईटी मार्केट्स, ये 3 ऐप इंस्टॉल कर लो. कौन से, ईटी नाउ, ईटी मार्केट्स, मनी कंट्रोल एंड वन मोर रूटर्स, RUTERS, Reuters for global news, और एक Bloomberg, 5 बता दिए. अगर ये 5 ऐप है आपके पास तो उसमें नोटिफिकेशन आता है कोई भी नहीं अपडेट पे, बस उसको यूज करो, खत्म बात. तो ये हो गया स्टॉक स्क्रीनर. टेक्स्ट नोट समझ में आ गया क्या है, पाइन एडिटर क्या है, आप खुद के कुछ कुछ इंडिकेटर्स क्रिएट कर सकते हो, कर सकते हो. जैसे मेरे स्टूडेंट ने किया हुआ है एक, उसने 3 EMA बना लिए, मतलब हमें उसके पास फ्री वर्जन है और उसे 3 इंडिकेटर लगाने, उसे VWAP लगाना, पिवट लगाना, 3 EMA लगाने, तो उसने खुद ही से बना लिया गूगल कर करके. आप भी बना सकते हो, ठीक है. यहाँ पे वो कोड को प्रिंट पेस्ट करो और यहाँ पे जाके एड टू चार्ट कर दो, आ जाता है आपके नाम से इंडिकेटर. स्ट्रैटेजी टेस्टर, ये सब आप चाहो तो स्ट्रैटेजी वाले टेस्ट कर सकते हो, मैंने नहीं किए. ट्रेडिंग पैनल, ये पेपर ट्रेडिंग करने के लिए भी है, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो.
और इतने अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो, जो मैं करूंगा कुछ दिन बाद, तो यहां पे अगर आपका ब्रोकर है, जैसे ट्रेड स्टेशन एक है, कहां है, आई ब्रोकर है, ट्रेड स्टेशन ये रहा एक फेमस है, ठीक है, forex.com फेमस है, तो आप यहां पे आके कनेक्ट करके सीधे यहीं से ट्रेडिंग कर सकते हो, MT4 ऐप की जरूरत नहीं है आपको, तो ये उस रीजन से काम आता है, तो हमारे तो कोई काम का नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है। राइट साइड आ जाओ, ये क्या है, ये भी ब्रोकर से कनेक्ट करने के लिए आपको वही दिखा रहा है और कुछ नहीं है। अब ये सब कुछ काम का नहीं है, मैसेजेस आते होंगे शायद, तो मैंने पहली बार देखा ये मैसेजेस आ रहे हैं, आए किसी ने भेजा है मुझे मैसेज, क्योंकि मैं तो ये सब देखता नहीं हूं, ये भी बातें बातें हो रही हैं, कोई काम का नहीं है, ये आइडियाज आ रहे हैं कोई काम का नहीं, सब कोई काम का नहीं, ये यहाँ पे आप वॉल्यूम गेनर कोई था गया, आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लगा लो, इंडिया ढूंढ ले रहा है, इंडिया NSE, इसमें वॉल्यूम गेनर क्या है, तो NSE पे में मिल जाएगा, आप ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। दिस इज गुड, अलर्ट्स लगाना, अनलिमिटेड अलर्ट्स लगा सकते हो, मैंने कुछ लगाई हुई, एक्टिव भी है मेरी, ठीक है, अलर्ट्स लगा सकते हो, और फिर वही है अपनी वॉचलिस्ट, वॉचलिस्ट मैं जितनी चाहूं उतनी बना सकता हूँ, मेरी इतनी बनी हुई है, मैंने ऑटो निफ्टी के अंदर इतने होते हैं, ऑटो स्टॉक मुझे जो पसंद, एक्चुअली निफ्टी के नहीं, वो ऑटो सेक्टर के, निफ्टी गलत दिखा हुआ है इसमें, बैंक निफ्टी में नहीं होगी भी, बैंक होंगे वहां यहाँ पे ना, तो जज मत करना मेरे को कि अरे इसको तो पता नहीं, अरे भाई ये सब किताबी बातें कोई काम नहीं आती, ट्रेडिंग करना सीखो। कई लोग कुछ कुछ बोलते रहते कमेंट करके कि भाई तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में ये नहीं ये बोलना था, तो भाई तेरे को पता, तू बोल ले यार कहीं पे, अगर कोई सुन रहा है तेरे को, तो इंफ्रा निफ्टी में नहीं आते ये सारे, फिर भी मैंने इंफ्रा सेक्टर से रिलेटेड मैंने डाले हुए हैं, फॉरेक्स में इतने पेयर मैंने डाले हुए हैं, तो मैं कितनी भी वॉचलिस्ट यहाँ पे बना सकता हूँ, मेटल निफ्टी ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको वॉचलिस्ट बताऊंगा, वैसे आप मेरे स्टॉक सिलेक्शन वीडियो पे जाते हो तो दिख जाता, बट ये रहा मेरा, इसकी फोटो खींच लो, पॉज कर लो वीडियो अभी और फोटो खींच लो, आई होप खींच लिया होगा, ये उसके नीचे का दे दे रहा हूं, ये देखो अब क्या है क्या नहीं खुद समझ लेना, वो सब कुछ रीजन से है वहां पे जो भी है, तो आप वो US विक्स है, ये इंडिया विक्स है, ठीक है, ये रहा, तो ये रही मेरी वॉचलिस्ट जो बता रहा था रखना चाहिए, ठीक है खत्म। अब रीप्ले ऑप्शन क्या होता है, कभी कभी बैक टेस्टिंग करना बड़ा मजेदार है, नई स्ट्रेटजी मिलती है, देखो चार्ट अजीब सा दिखने लग गया ना, है ना, क्या दबाना था, ऑल्ट आर या राइट क्लिक रीसेट चार्ट, तो मैं ऑल्ट आर दबाऊंगा, ठीक हो गया सब कुछ, ठीक है। अब मैं गया रिप्ले पे, यहां पे आना है, कितने दिन का रिप्ले चाहते हो, आ जाओ क्लिक कर दो, देखो पहुंच गया, अब बढ़िया बैक टेस्टिंग हो सकती, प्ले कर दो आपकी स्ट्रेटेजी की कि हाँ अभी ये बना अभी वो हुआ, आप उसको कितने सेकंड में कितना टाइम फ्रेम मतलब सेट कर सकते हैं, 15 मिनट की कैंडल है उसको 5 भी कर सकते हैं अपन, तो यू कैन टेस्ट योर थिंग्स लाइक दिस, ओके ओके तो इस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं, तो ये रिप्ले का हो गया, अलर्ट लगा सकते हैं, ये कर सकते, ये रहा ना, ये रहा चार्ट लेआउट। अब मैं इसको दो चाहूं या चार चाहूं, ऑल्ट एंड क्लिक, क्या ऑप्शन, या ऑल्ट एंड वन सिंगल क्लिक, एक्चुअली चार में ही थे अपन, अपन ऑलरेडी चार के अंदर एक बॉक्स में काम कर रहे थे, अभी इसको चाहे तो 8 भी कर सकते हैं, हम इतनी बड़ी स्क्रीन भी खोल सकते हैं, ठीक है, अगर बहुत बड़ी बड़ी चार, मतलब 8 तो बहुत ज्यादा होता था, 4 इज समथिंग दैट आई कैन सी इवन इन माई लैपटॉप और इन अ नॉर्मल स्क्रीन, अगर बहुत बड़ी स्क्रीन तो 8 भी कर सकते हो, क्यों करना है, देखो दो तीन रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अलग 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 बॉक्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, एक ही स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हो, या तो सेम स्ट्रैटेजी में अलग अलग टाइम फ्रेम खोल सकते हो, जैसे आप देखेंगे तो मेरे में हमेशा अलग टाइम फ्रेम मिलेगा, यहाँ 15 या 1 घंटा या 30 रखता हूँ, 5 इधर 15, तो अलग अलग टाइम फ्रेम मिलेंगे, तो दिस कैन बी यूज फॉर दैट, ये अच्छा अच्छा मेरे काम आता है, मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम के और मल्टीपल कुछ चीजों के काम आता है, ठीक है, और एज सच और कुछ भी नहीं था, हाँ टाइम फ्रेम कि 1 मिनट कर देंगे तो अच्छा, अभी कौन सा मार्केट खुला होगा, अभी तो कुछ भी नहीं खुला होगा, अभी तो फॉरेक्स भी बंद होगा, मे बी BTC USD में मूवमेंट आ रहा होगा, तो एक बार ये खोल के देखते हैं, ये देखो मूव हो रहा है BTC, 1 मिनट है ना, 1 मिनट, अब इसको अगर मैं सेकंड कर दूंगा 30 सेकंड तो दिख रहा है, फिर भी इज्जत से दिख रहा है, 15 सेकंड कर लेते हैं, अभी भी दिख रहा है, 1 सेकंड कर देते हैं, देखो अब आप मजा आ जाएगा, ऐसे मूव करता है 1 सेकंड में, क्या मिल गया, कौन सा एनालिसिस हो गया, द पीपल ट्रेडिंग 1 मिनट कैंडल मस्ट बी मोटिवेटेड टू मच, कि अरे बाप रे 1 मिनट के 1 सेकंड में करेंगे, अब तो हम तो फास्ट स्कैल्पर है, मत करो भाई स्कैल्पिंग वगैरह, 5 मिनट यूज करो, खुशी से काम करो, अदरवाइज ये पर्सनल आपकी जिंदगी, आप यूज करो 1 मिनट 3 मिनट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बात बोलता हूँ, जो मूव जो बस्टिंग मूवमेंट 5 मिनट की कैंडल है ना, अगर 1 मिनट की 5 कैंडल है, अगर मान लो वो इस वाली कैंडल में मूवमेंट देने वाला ना, बर्स्टिंग एकदम मूव किया इस वाले में, तो 5 मिनट में भी मूव कर जाएगा, 3 मिनट में भी उसी मूव करेगा, तो जो बर्स्टिंग मूवमेंट होता है एज पर योर क्लॉक, वो 1 मिनट 3 मिनट 5 सब में सेम होता है, लेकिन पता नहीं लोगों को यू ये चीज समझ नहीं आती, तो जिसको जो यूज करना है करे, बट जितना कम नॉइज रहे उतना अच्छा। तो ये हो गई बात टाइम फ्रेम की, यहाँ पे सेम वही दिखाएगा, यहाँ पे आओगे अनीश 24 जैसे प्रोफाइल फोटो वगैरह डाली हुई है,
दिखाएगा. तो दैट्स इट, आई थिंक वी आर डन, वी आर टू मच डन विद ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल. और बस इसके आगे कुछ बताना नहीं है कि आप ये कर लो वो कर लो. अब आप लोग थोड़ा सा जो मैंने चीजें बताई अब आप लोग इसको चेक कर सकते हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर डाल दूंगा ताकि झंझट वंझट ना हो. सीधे आकर के आप ईमेल आईडी डालकर साइन अप कर लो. नहीं करना है डायरेक्टली गूगल कर करना है, डू दैट एज वेल. आई डोंट, आई हैव नो इश्यूज विद इट. आप जैसा भी चाहो यूज कर सकते हो. अब चलो मिलता हूं. और यहां मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो बातें बताऊंगा. सीरियसली मान लेना, हो सके तो मान लोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं. और मेरे लिए तो मैं मान ही रहा हूं, चीजों को कर ही रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी दिस लॉन्ग. आई अप्रिशिएट योर टाइम. थैंक यू, बाय. ऑल राइट, तो आपने वीडियो देख लिया. आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और सीखने मिला होगा. जो मालूम था उससे कुछ ज्यादा ही मिला होगा आपको आउटपुट इस वीडियो से. तो चलो, इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर एज पर माय नॉलेज. ओके, एज पर माय एक्सपीरियंस. आप चाहे तो और भी सब यूज कर सकते हैं. पहले तो ट्रेडिंग व्यू में फ्यूचर लॉट्स भी नहीं आते थे, अब तो इंडेक्स का भी आता है, स्टॉक्स का भी फ्यूचर आ चुका है. तो वॉल्यूम भी देख सकते हैं, वीवैप भी देख सकते हैं. इनफैक्ट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया का MCX तक ट्रेडिंग व्यू में आ गया है. पहले गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड देखना पड़ता था, आज कमोडिटी करते हो सिल्वर इंटरनेशनल. आप आओ इंडियन स्टॉक मार्केट जो MCX जो इंडिया का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है उस तक की चीजें लिस्ट हो चुकी हैं. ट्रेडिंग व्यू बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो बहुत बढ़िया तरीके से सबको मदद करता है. मैं एक ही सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, ये वाला. ओके, ऑल राइट, खत्म हो गया वीडियो. अब जो दो इंपॉर्टेंट टिप्स और एक फैक्ट की बात कर रहा था उस पर आते हैं. तो दो यार, ये लिटरली सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग है जो मैं शेयर कर रहा हूँ. आप इसको हो सकता है सीरियसली लो, लाइटली लो, जो भी लो, डिपेंड आप पे करता जैसे लेना है. पहली टिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टोटल स्टॉक मार्केट इज पोजीशन साइजिंग. अरे ये तो कई बार बता चुके हो, फिर से बोलूंगा. अगर आप लोग सीख गए कि लिटरली इस ट्रेड पे मेरे को कुछ भी हो जाए 3% के ऊपर रिस्क नहीं करना है, या इस दिन पे मेरे को 3-5% के ऊपर रिस्क नहीं करना है, और आप अच्छी अपॉर्चुनिटी पे भी उतना अमाउंट लेके रुक गए, आप बच गए, आप आगे बढ़ जाओगे. क्यों? क्योंकि यही एक सीक्रेट है. हम लोग जबरदस्ती पोजीशन साइजिंग इतनी बड़ी ले लेते कई बार कि जब लॉस होता है तो संभाल नहीं पाते अपने आप, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं. तो पहली चीज है पोजीशन साइजिंग. प्लीज मेक अ रूल, अगर रिस्क मैनेजमेंट वीडियो नहीं देखा तो देख लेना जाकर के. रिस्क पर डे एंड रिस्क पर ट्रेड सेट करके काम करें. दूसरी चीज, द मोस्ट बिगेस्ट किलर ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज ओवर ट्रेडिंग. एक ट्रेड लिए लॉस हुआ, दूसरा लिए लॉस हुआ, तीसरे में और पैसा डाल दिया लॉस हुआ, चौथे में लिए प्रॉफिट हो गया, पांचवा लिए छठ पूरा लॉस कर लिया. इसको बोलते हैं ओवरसाइजिंग. अगर आप टू स्टॉप लॉस आ डे रूल को कैसे भी करके मान लिए, मतलब मालूम है कठिन है एक्सेप्ट करना, बट मान लिए. तो अगर मान लिए ये सोच के कि मैं टेस्ट मैच खेलने आया हूँ, 2020 नहीं आया हूँ, 6 बॉल पे 6 छक्के नहीं मार रहे हैं, अच्छा उसके बाद आपको अगले ओवर में भी 6 छक्के मार रहे हैं, अच्छा अगले नहीं होता भाई, कहीं नहीं होता. कोई ना विराट कोहली मार पाता है, ना धोनी मार पाता है, कोई भी नहीं मार पाता. तो मैं सजेस्ट करूंगा टू स्टॉप लॉस अ डे रूल को बांध लें. तो दीज आर द रिस्क मैनेजमेंट रूल्स दैट विल हेल्प यू टू सर्वाइव इन द मार्केट, देन लेटर यू कैन थ्राइव एज वेल विद द गुड एक्सपीरियंस. फैक्ट, आप जिस पैसे को, जितनी मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, up to 1 lakh से ट्रेड कर रहे हो, इसको ट्रेडिंग कैपिटल बोलना बंद कर देना आज से. ऐसा क्यों? इसको ट्यूशन फीस बोलना चालू कर दो. मतलब हाँ, इसको अगर ट्यूशन फीस बोल के अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो शायद कल मंडे सुबह पैसा डबल करने का नहीं सोचेंगे. कौन अपनी ट्यूशन फीस डबल करता है यार? आप उस पैसे से उसको यूज करो सो दैट यू इंसर्ट प्रोसेस इन योर ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन में प्रोसेस पे प्यार करो, ना कि उस प्रोसेस डबल करने से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन. तो अगर आप अपने इस छोटे से कैपिटल को ट्रेडिंग ट्यूशन, ट्यूशन फीस बोलेंगे, ट्रेडिंग की ट्यूशन फीस है मेरी अगले 6 महीने की, तब मजा आएगा. और क्लियरली बता दूं, जब 5 लाख रुपए आप अरेंज करोगे तो उसे खराब ना करो. इसलिए इस ट्यूशन फी में पूरा सीख लो. जिस दिन लगता है कि मेरा बढ़िया से मेरी कंसिस्टेंसी आ रही है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कमाता बट मैं कंसिस्टेंट कमाता हूं, गाइज आपको किसी को अपना PNL दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से आपको बात करने की जरूरत पड़ेगी. यू विल मेक योर ओन मनी एंड यू विल नॉट गिव अ फक दुनिया में कौन क्या आपके बारे में सोचता है. तो दे दिया मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और एक बड़ा फैक्ट. ये कैपिटल नहीं, ट्यूशन फीस है, इसको देख के खर्च करिएगा, नहीं तो बड़ा पैसा खराब होगा. तो चलो इसके साथ अपना वीडियो खत्म करता हूँ. आई होप इससे आपको बहुत मजा आया होगा. और हाँ, मार्केट एनालिसिस का वीडियो भी मैं कल आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, सो दैट मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तक वो काम आए. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. लाइक द वीडियो शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस, थैंक यू सो मच.